दोस्तों कौन है ये लोग जो 700 किलोमीटर बिना रुके दौड़े जा रहे हैं? क्या आप 7 किलोमीटर भी बिना रुके दौड़ सकते हैं? क्या आपने कभी ये सोचा है कि महाभारत के युद्ध में आखिर करोड़ों सैनिकों को खाना किसने खिलाया था, और अगर खिलाया भी था तो कैसे? आईफोन्स में SD कार्ड क्यों नहीं लगाई जाती, वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपके भी बाल झड़ते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। और क्या आपको पता है कि आखिर लकड़ी से कागज कैसे बनाया जाता है? अगर नहीं जानते तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड को। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों मैराथन रेस में दुनिया के टॉप एथलीट्स ही हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इसमें 42 किलोमीटर तक दौड़ना होता है जो किसी आम इंसान के लिए करना नामुमकिन है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहां के लोग खेल खेल में 700 किलोमीटर दौड़ जाते हैं। अब ये सुन के आपको हंसी जरूर आ रही होगी, पर जरा एक बार सुन तो लीजिए इनके बारे में। मैक्सिको के पहाड़ों में काफ़ी दूर तराहुमारा नाम का एक गांव बसता है। यहाँ के लोग मैराथन का 100 गुना यानी कि 700 किलोमीटर महज 2 दिनों में दौड़ जाते हैं। अब दोस्तों ये भी इंसान ही है, लेकिन ये हम जैसे नए युग के इंसानों से संबंध, अरे मतलब दोस्ती, कुछ गलत मत समझ लेना, मतलब है कि दोस्ती रखना पसंद नहीं करते। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये 700 किलोमीटर दौड़ते क्यों हैं? जब इस बात का पता लगाया गया तो ये पता चला कि ये लोग दौड़ते नहीं हैं बल्कि एक गेम खेलते हैं जिसमें एक बॉल को फिनिश लाइन तक पहुँचाना होता है, और ये फिनिश लाइन 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक होती है। इतनी एनर्जी लाने के लिए ये लोग कॉर्न बियर का करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी और कैलोरीज मिलती है। ये गेम इन्हें बचपन से ही खिलाया जाता है, तभी ये बड़े होकर इतनी दूर दूर अपने पैरों से ही दौड़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों शायद आपको ना पता हो, लेकिन महाभारत के युद्ध में 50 लाख से भी ज़्यादा सैनिकों ने भाग लिया था। पर मेरी ही तरह क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि आखिर कौन इतने सारे लोगों का खाना बनाता था, और बनता भी था तो कैसे? दरअसल युद्ध के दौरान उद्यपी के राजा भगवान कृष्ण के पास गए और कहा, हे प्रभु, हर कोई युद्ध के लिए परेशान है, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि इतने लोगों के खाने का इंतजाम कैसे होगा। ये बात सुनते ही श्री कृष्ण उडुपी के राजा से कहते हैं कि क्या आपके पास कोई उपाय है? उडुपी के राजा ने कहा, इस युद्ध को रोकना तो नामुमकिन है, इसीलिए मुझे अपनी सारी सेना के साथ मिलके उनके खाने का इंतजाम करने का मौका दीजिए। कृष्ण भगवान उन्हें मौका दे देते हैं। पहले दिन तो राजा ने सारे सैनिकों के खाने का इंतजाम कर दिया, और वो खाने को इस हिसाब से बनवाते थे कि एक दाने का तिनका भी व्यर्थ नहीं होता था। युद्ध जीतने के बाद जब युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ था, तब एक दिन उन्होंने उडुपी के राजा से पूछ लिया कि आखिर आपको कैसे पता चल जाता था कि आज इतने सैनिक मरने वाले हैं और आप उतने सैनिकों को खाना नहीं बनवाते थे। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण रोज रात में मूंगफली खाते थे, और मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था। उनके खाने के बाद गिनकर देखता था कि कितनी मूंगफली खाई है। वो जितनी मूंगफली खाते थे उसके 1000 गुना तक सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे, और उसी के अनुसार मैं रोज खाना बनवाता था। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आज तक आपने मार्केट में बस लाल रंग के सेब देखे होंगे जिसकी कीमत मुश्किल से 70 या 80 रुपये या 100 रुपये किलो होता है। पर तब आपका रिएक्शन क्या होगा जब मैं आपसे कहूं कि दुनिया में मौजूद इस सेब की एक ऐसी वैरायटी भी है जिसकी कीमत हजारों में है। जी हाँ दोस्तों, ये सेब आम सेब की तरह नहीं होते। इस एप्पल को ब्लैक डायमंड एप्पल के नाम से जाना जाता है। अब कहने को तो इसका नाम ब्लैक है, पर ये होते बैंगनी हैं, जो तिब्बत के बगीचों में पाए जाते हैं। जिस जगह ये सेब होते हैं वहाँ का तापमान आम तापमान से अलग होता है। दरअसल दिन में ज़्यादा धूप और गर्मी होने की वजह से ये इतने काले हो जाते हैं। इन सेबों को किलो के हिसाब से नहीं बल्कि पीसेस के हिसाब से बेचा जाता है, और उसके एक पीस की कीमत 500 रुपये तक होती है। अब इतना महंगा होने की वजह से ज्यादातर ये गिफ्ट्स पैक में ही बेचे जाते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों कॉमेडी का नाम सुनते ही सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है चार्ली चैपलिन। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे इनके बारे में नहीं पता होगा, पर आज मैं आपको इनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। पहली बात यह कि चार्ली का परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीब था, और इसीलिए उन्हें 9 साल की उम्र से ही काम करना पड़ा। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही स्टेज कॉमेडियन और एक्टर की तरह काम करना शुरू कर दिया था। महज 19 साल की उम्र में ही उन्हें एक अमेरिकन कंपनी ने साइन कर लिया, और ये थोड़ा अमेजिंग है कि चार्ली चैपलिन ने अपनी ज़िंदगी में दोनों वर्ल्ड वॉर देखे हैं।
जिस समय दुनिया वार का डर झेल रही थी उस समय ये लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। तीसरी बात यह कि 1977 में चार्ली की मौत हो गई थी और इसी साल किसी ने इनका शव चुरा लिया था। उनका शव उनके परिवार वालों से फिरौती मांगने के लिए चुराया गया था, लेकिन पुलिस ने उनके शव को बरामद कर लिया था, जिसके बाद उसे 6 फीट कॉन्क्रीट के नीचे दबाया गया था। तो क्या ये बातें आपको पहले से पता थी या नहीं, मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिनके बाल हमेशा झड़ते ही रहते हैं? दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अलग अलग तरह के शैम्पू इस्तेमाल करते हैं या कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं जिससे उनके बाल ना झड़े, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि आखिर इसे कैसे रोका जाए। इन्हीं सभी समस्याओं की वजह से बड़े बड़े साइंटिस्ट ये ढूंढने में लगे हैं कि आखिर बाल को झड़ने से कैसे रोका जाए। इसी बीच हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने इसे रोकने का तरीका ढूंढ निकाला है। उन्होंने गैस 6 नाम के एक प्रोटीन की पहचान की है जो बालों के ग्रोथ को बढ़ावा देता है। उन्होंने खोज करते हुए पाया है कि यह प्रोटीन बालों को झड़ने से रोकता है और उनको बढ़ने में मदद करता है। फिलहाल इस प्रोटीन को चूहों पर इस्तेमाल किया जा रहा है और अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो ना जाने कितने लोगों की मुश्किल दूर हो जाएगी। अगर एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो जल्दी से इसे मार्केट में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों टी सीरीज नाम की इस कंपनी के बारे में तो आपने जरूर सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उसमें टी का मतलब क्या होता है? वेल दोस्तों, ये कंपनी सिंगर गुलशन कुमार ने खड़ी की थी जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो अपनी कंपनी का नाम भगवान शिव के नाम पर ही रखना चाहते थे। बहुत सोचने समझने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम टी सीरीज रख दिया, जिसमें टी का मतलब त्रिशूल होता है। इतना ही नहीं, ये अपनी इतनी बड़ी सक्सेस का श्रेय भी भगवान शिव को ही देते हैं। आज के टाइम में ये कंपनी इंडिया के 70% गाने प्रोड्यूस करती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों आप लोगों ने फास्टेस्ट ट्रेन या फिर दुनिया की सबसे महंगी ट्रेन ये सब बातें तो सुनी होगी, पर क्या आप किसी ऐसी ट्रेन के बारे में जानते हैं जो चलते चलते हॉस्पिटल जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है? इस ट्रेन का नाम है लाइफ लाइन एक्सप्रेस, जिसे मैजिक ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रेन को 1991 से चलाना शुरू किया गया था और ये पिछले 30 सालों से पिछड़े गांव में जाकर एक अस्पताल की सर्विस दे रही है, जिसमें वो तमाम सुविधाएं मौजूद है जो एक अस्पताल में होनी चाहिए। भारत के पिछड़े गांवों को हॉस्पिटल की सेवा देने के लिए एक ट्रेन को ही हॉस्पिटल बना दिया गया था और ये ट्रिक अभी भी सिर्फ भारत में ही इस्तेमाल होती है, बाकी देश ऐसा करने की कोशिश में लगे हैं। फैक्ट नंबर 6, अपनी जिंदगी में आपने एक ना एक बार तो फ्रूट सैलेड जरूर खाया होगा, लेकिन आज मैं एक ऐसे पेड़ के बारे में बताऊंगा जिसमें एक ही जड़ से कई सारे फल निकलते हैं। इस पेड़ का नाम फ्रूट सैलेड ट्री है। 1990 में ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले जेम्स और कैवी वेस्ट ने यह आइडिया पेश किया था। नाम से आपको ये तो समझ आ रहा होगा कि जैसे फ्रूट सैलेड में कई सारे फ्रूट्स होते हैं, उसी तरह इस पेड़ में भी कई सारे फल उगते होंगे, लेकिन इस पेड़ में एक खास बात भी है। इस पेड़ में बस एक प्रजाति के 6 या 8 फल उग सकते हैं, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी और भी बहुत कुछ। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आज तक आपने एक अंगूठी में कितने हीरे लगे हुए देखे होंगे, तो आपका जवाब 3, 4, 5 या बहुत हो गया तो 10 होगा। पर आज मैं आपको एक ऐसी अंगूठी के बारे में बताऊंगा जिसमें 10 या 20 नहीं बल्कि 7801 हीरे लगे हुए हैं। जी हाँ, ये सुनने के बाद आप हैरान जरूर हो गए होंगे, पर ये बिल्कुल सच है। भारत के हैदराबाद शहर में रहने वाले इस आदमी का नाम श्रीकांत कोठी है, जिसने एक ऐसी अंगूठी तैयार की है जिसमें 7801 हीरे लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा हीरे लगाकर अंगूठी बनाने के लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा गया है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडियन आर्मी जब भी कहीं फाइट या स्ट्राइक करने जाती है तो वो अपने साथ तेंदुए का पेशाब क्यों ले जाती है, या फिर अपने पैर पे तेंदुए का पेशाब क्यों छिड़कती है? अब दोस्तों ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि कुत्ते किसी भी चीज को जल्दी सूंघ लेते हैं। अगर भारतीय सेना ऐसा ना करे तो कुत्ते उन्हें सूंघते ही भौंकना शुरू कर देंगे, जिससे आतंकवादी सतर्क हो जाएंगे। और इसी चीज से बचने के लिए भारतीय सेना अपने पैरों पे तेंदुए का पेशाब छिड़क लेती है, जिससे कुत्ते डर के उनके पास नहीं आते। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये फैक्ट पता था या नहीं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों आज भले ही कंप्यूटर्स का जमाना आ गया है, लेकिन आज भी कागज के पन्नों की वैल्यू उतनी ही है जितनी पहले थी। पर क्या आप जानते हैं कि कागज बनते कैसे हैं?
दोस्तों कागज बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है सेल्यूलोज, जो कॉटन में बहुत ज्यादा पाया जाता है। लेकिन कॉटन के ज्यादा महंगे होने पर उनकी जगह पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ में भी सेल्यूलोज पाए जाते हैं और इसी सेल्यूलोज को एक पतली चादर बनाकर कागज को बनाया जाता है। होता यह है कि फैक्ट्री के अंदर इन पेड़ों के ऊपर की लेयर को निकालकर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है और फिर उन्हें एक एसिडिक सॉल्यूशन के साथ उबाला जाता है, जिससे लिग्निन और फाइबर दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। उबलने के बाद वुड फाइबर को अच्छे से पानी में धोया जाता है और उसमें क्लोरीन फ्री ब्लीचिंग की जाती है, लेकिन तब भी इसकी डेंसिटी कम होती है और इसी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलाकर इसे पेपर मेकिंग मशीन में भेज दिया जाता है और ये मशीन उस पेस्ट को पेपर में बदल देती है। इसी प्रोसेस के बाद कागज तैयार हो जाता है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों पिरामिड का नाम सुनते ही सबसे पहली जगह जो हमारे दिमाग में आता है वो है इजिप्ट, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े पिरामिड इसी देश में पाए जाते हैं। इस फैक्ट के चलते कितने लोग ये समझ लेते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा पिरामिड्स भी इसी देश में हैं। पर क्या ये बात सही है? अगर नहीं तो आखिर दुनिया में सबसे ज्यादा पिरामिड किस देश में मौजूद है? दोस्तों इस जगह का नाम है सूडान, जहां इजिप्ट से भी ज्यादा पिरामिड्स पाए जाते हैं और इतने ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों आपको ज्यादातर स्मार्टफोन में एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, लेकिन एप्पल के आईफोन्स में ऐसा नहीं होता। अब इतने महंगे फोन होने के बावजूद इनमें एसडी कार्ड का फीचर क्यों नहीं दिया जाता, कभी सोचा है आपने? दोस्तों आईफोन में एसडी कार्ड का फीचर ना देना उनकी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, जिससे उसे अरबों रुपए का फायदा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आईफोन मेमोरी के बेस पे ही अलग अलग कीमत में बढ़ता है। 128GB के फोन के प्राइस और 256GB के फोन के प्राइस में 10 या 15 हजार का डिफरेंस होता है। अब अगर एप्पल अपने फोन में मेमोरी कार्ड वाले स्लॉट्स दे देंगे तो इनके महंगे वाले फोन कौन खरीदेगा? तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स और साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानते रहना चाहते हो तो पता है ना आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना है ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।